हे गाइस, मैं विकास फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम में अनलिमिटेड फेक आईडी कैसे बना सकते हो। गाइस, आप जब भी इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाने जाते हो तो क्या आपको कभी कभी सस्पेंड का ऑप्शन आ जाता है, कभी ओटीपी नहीं आती हो जो फेक ईमेल आईडी आप डालते हो वहाँ, तो उसका भी जो है मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी और सही तरीका भी बताऊँ कि आप फेक आईडी कैसे बना सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस, सिंपली आपको जो है इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ प्रोफाइल वाला आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर प्रेस करके रखना है आपको। प्रेस जैसे करोगे तो ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर लीजिए। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ यूज़र नेम चूज़ कर लेना है, आपको जो भी यूज़र नेम आपको अच्छा लगता है अपने मर्जी से आप डाल सकते हो। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने, वहाँ से यहाँ से मैं डाल देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो गाइस, यहाँ सजेशन में भी आ चुके यूज़र नेम, चाहे तो आप यहाँ से भी चूज़ करके डाल सकते हो। यहाँ से मैं डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यह पूछ रहा है कि अब अपने फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हो ये आईडी को, तो आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो आप यहाँ नॉट यू पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ से आपको पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना, कोई भी आपकी मर्जी का अच्छा सा पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। मैं यहाँ से पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। तो यहाँ से मैंने पासवर्ड सिलेक्ट कर लिया। पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप देना चाहते हो, तो आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी नहीं देना है, क्योंकि गाइस हम फेक अकाउंट बना रहे हैं, रियल अकाउंट नहीं बना रहे। तो गाइस, आपको यहाँ ऐड फोन नंबर और ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, फेक ईमेल आईडी डालना है। तो फेक ईमेल आईडी आपको कहाँ से लेना है मैं बता रहा हूँ। आपको यहाँ क्रोम ऐप ओपन करना है, ओपन करने के बाद सर्च पर क्लिक करना है। जैसे सर्च पर क्लिक करोगे, यहाँ आपको सर्च कर लेना है टैम्प मेल। मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ गाइस, टैम्प मेल, ठीक है। और जैसे आप सर्च करते हो गाइस, फर्स्ट वाली वेबसाइट दिखाई दे रही है, फर्स्ट वाली वेबसाइट पे चले जाना है आपको। फर्स्ट वाली वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ लोडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थोड़ा वेट कर लेना आपको गाइस फेक ईमेल आईडी के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ फेक ईमेल आईडी आ चुकी है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, और कॉपी करने के बाद सिंपली अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में जाऊँगा और यहाँ से पेस्ट कर दूँगा ईमेल वाले जगह पर। तो यहाँ से मैं पेस्ट कर दिया और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ गाइस। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कंफर्मेशन कोड आएगा, तो कंफर्मेशन कोड आपको जहाँ से आपने फेक ईमेल आईडी ली उधर ही आपको ये कंफर्मेशन कोड आता है। तो यहाँ से वेट कर लेता हूँ, आपको देखो यहाँ इनबॉक्स का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे स्क्रॉल करोगे ना, देखो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे कि गाइस आपको कंफर्मेशन कोड आया है, तो कंफर्मेशन कोड यहाँ से ले लेना है क्लिक करके इसके ऊपर से। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद सिंपली इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में चले जाता हूँ और जाने के बाद यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ कंफर्मेशन कोड पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारा जो है फेक अकाउंट रेडी हो चुका है। यहाँ का साइनिंग अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस, आप देख सकते हो जैसे कि हमारा फेक अकाउंट रेडी हो चुका है। आपको यहाँ से मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ स्किप कर देता हूँ, इधर से चले जाता हूँ। आपको जो भी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो आपका जो है फेक अकाउंट रेडी हो चुका है। इसी तरह आप अपने अकाउंट में अनलिमिटेड फेक अकाउंट बना सकते हो। लेकिन वैसे एक बताओ आपको, एक मैं प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ कि सबके साथ हो रहा है, जब भी वो फेक अकाउंट बना जाए तो उनकी आईडी सस्पेंड हो जाती है या ओटीपी नहीं आती है। तो इसलिए नहीं आती क्योंकि एक ईमेल आईडी वो बार बार यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ ईमेल आईडी चेंज कर करके यूज़ करना है। अगर चेंज करके यूज़ करोगे तो आप अनलिमिटेड फेक अकाउंट बना सकोगे। तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि आपको अगर नई नई ईमेल आईडी चाहिए फेक की, तो यहाँ से आपको क्या करना है, डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई दे, डिलीट पर क्लिक करना है। डिलीट पे क्लिक करोगे ना गाइस, तो आपको नई नई ईमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ फेक आईडी जो रहती है ईमेल आईडी, आप देख सकते हो। यहाँ देखो गाइस, एक दूसरी ईमेल आईडी आ चुकी है। तो आप इसी तरह बहुत सारे फेक अकाउंट बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको नई नई वीडियो ऐसी मिलती रहे।